टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल राज्य के नए गृह मंत्री बनाए जाएंगे। मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर कुछ युवकों द्वारा मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। हालांकि ये मारपीट इन युवकों में कैसे और किस बात को लेकर हुई अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। मुमरा शहर में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए मनपा अब सख्त हो गई है। मनपा के कर्मचारी नैनेश भाले राव ने मास्क न लगाने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की है। मुमरा रेलवे स्टेशन मुमरा बाजार आनंद कोलीवाड़ा में महज 2 से 3 घंटे में कार्रवाई कर मास्क न लगाने वालों से जुर्माने के तौर पर 20,000 रुपये की वसूली की गई है। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ एक बार फिर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की डर की वजह से मजदूर अपने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर लॉकडाउन की डर की वजह से ये मजदूर बड़ी संख्या में अपने गांव जा रहे हैं। थाने के घोड़बंदर रोड पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नासिर सेमले 33 वर्ष और संदेश जम जागड़े 32 वर्ष के रूप में हुई है। काशी मीरा पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मीरा रोड भयंदर मुंबई के अन्य इलाकों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से पुलिस ने 25 से भी ज़्यादा 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। मानकोली MIDC बदलापुर में एनएक्स गारमेंट में अचानक आग लग गई। ये आग इमारत के 3री मंजिले पर लगी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर आग से काफी नुकसान हो गया है। यूपी के शामली में शादी के लिए पुलिस की चौखट पर जाने वाले 2 फीट के अजीम मंसूरी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अजीम मंसूरी की एक फोटो सामने आई है जिसमें वो हाथ में इंसस राइफल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अजीम मंसूरी से पूछताछ कर अभी छोड़ दिया है, मगर पुलिस अजीम मंसूरी पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि ये फोटो 2003 का है जो अब वायरल हो रहा है। बिहार में कोरोना नियमों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों पर छात्रों और कोचिंग के संचालकों ने हमला कर दिया। मामला बिहार के सासाराम का है। पुलिस की गाड़ियों पर भी तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की भी खबर सामने आई है। वहीं यूपी के आगरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ससुराल वालों ने बांध कर पिटाई कर दी है। दरअसल प्रेमिका शादीशुदा थी और उससे मिलने के लिए ये प्रेमी उसके घर पहुंचा था, तभी ससुराल वालों ने इसे पकड़ लिया और प्रेमी को पकड़कर खंभे से बांध दिया और इसकी जमकर पिटाई कर दी गई। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।